अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, ये है मेरा पाकिस्तान, सिख पीरियड फुट स्टेप्स इन पाकिस्तान एंड ये है मेरा पाकिस्तान और खोरे सच संताली दे सामने नज़र आने वाला दरबार जड़ा इस दे मुतलक मैं पता चलिया सी। ये अगर तुसी लाहौर तो रावलपिंडी आओ तो रस्ते च टूल प्लाजे ते आंदे हुए, टूल प्लाजा तरक्की जड़ा उस दे कोल आंदे हुए तुहानू इस दी बिल्डिंग नज़र आती है तरक्की रेलवे स्टेशन तो। ते बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारा स्थान है। इस दे मुतलक मैनू कुछ थोड़ी जिनी दस पई सी कि इहनू तमाम रिलीजन दे लोग मनते सन, तमाम फिका और मुसलमान हिंदू सिख तमाम लोग इन्हू मनते सन। और देखो तुसी यह वो स्थान है और ये मुतलक ये भी कहा गया कि इतने जड़े ने लोग सिख लोग जड़े आते सन वो मनता मुरादा करते सन इस जगह पर आके। लेकिन जगह का नाम जड़ा है मियाँ मुहम्मद असलम और मियाँ मुहम्मद अकबर साहब के दरबार तो मुंसलिक है। यह साडा कलमा तैयबा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उत्ते है और फिर थले कलमा तैयबा है। इस दरबार के चार दरवाजे ने, ठीक है जी। वो दसिया जाता है कि इत्थे सिख गुरु भी तशरीफ लैके आए सन, नाल ही थले स्परिंग वाटर है, वो पुराना जी टी रोड भी इत्थों नज़दीक तो ही लंघदा और दसिया जाता है कि इन्हां पहाड़ियों नूं ही क्रॉस करते हुए बाबा गुरु नानक साहब भी गए सन और छठी पातशाही दे बादशाह भी इत्थों ही लंघे ने और उन्हां दे फुटस्टैप्स भी अग आसे पासे किले दे विच भी और रस्ते च भी मिलते हैं उन्हां दे। बरकै फिर थोड़ी कन्फ्यूजन सी वो दूर हो गई है कि ये मुस्लिम मज़ार ही है, ये कोई मतलब गुरुद्वारा नहीं है ना ही मंदिर है। मैनू किसी एक हिंदू वीर ने कहा कि ये मंदिर है और सिख वीर ने कहा कि गुरुद्वारा मैनू कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतने साढ़े गुरु साहब आए सन इस दे फुटस्टैप्स इतने पोठोहार दे जाते हुए मिलते हैं। मैं तुहानू दिखा रहा वा गाजी नारा या नारा गाजी प्लेस है, तरक्की टूल प्लाजा के बिल्कुल कोल है और इस खिता पठवार का जड़ा सुहावे तो थोड़ा पिछे तरक्की टूल प्लाजा है उस तो अंदर रस्ता आता है। तो यह मैं थानू इस दरबार की अंदर वाली हालत ही दिखाना वा। यहाँ पिछे प्री पार्टीशन आर्कीटेक्चर है, पुराने बने हुए मकान ने 1800 तो इसकी जड़ी है कोई तंजीनो रायश जड़ी है मुगलिया दौर की लगती है अंदरों, क्योंकि सारा काम कच चूना करी। ए देखो एक दरवाज़ा है, ए दो दरवाजे ने और इस तरह करते हुए यह तीसरा दरवाज़ा है और यदि बैक साइड पर चौथा दरवाज़ा है। देखो तुसी मियाँ मुहम्मद असलम साहब, वल्द मुहम्मद, मियाँ अकबर साहब, मियाँ अकबर साहब। लेफ्ट साइड देते वालिद की कबर है और राइट साइड देते बेटे की कबर है और इस देते बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम होया हुआ है। हाँ जी, समझ लो जिस तरह मुगलिया दौर दे टॉमस के अंदर होंदा सी सेम हुई है, बहुत खूबसूरत है। और लेकिन अंदर जड़ा शीशे का काम है वो बिल्कुल ऐदा है जिमें सिख समाधा के अंदर होया हुंदा, क्योंकि उस वेले एक ही जैसा काम हुंदा सी। देखो ऐदा खूबसूरत व्यू है, मैं थोनों अंदरों दे थोड़ा जा करांदा जावां दीदार।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੋਨਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੈਨ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਖੋਰੇ 747 ਦੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕੀ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੇਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।